मोदी ने उम्र के 64वें साल में प्रवेश गांधीनगर में अपनी मां के आशीर्वाद से शुरू किया। अपने जन्मदिन पर मोदी ने कहा, उन्हें देश भर से शुभकामनाएं और आशीर्वाद मिल रहे हैं, जिसे वो बेकार नहीं जाने देंगे। देश और दुनिया की तरफ से सब लोगों ने मुझे आज भरपूर आशीर्वाद दिए हैं, बहुत प्रेम दिया है। मुझे विश्वास है कि जन सामान्य के आशीर्वाद कभी भी बेकार नहीं जाते हैं। मोदी ने इस बार अपना जन्मदिन अल्पसंख्यकों के नाम करने का ऐलान किया है। वहीं अहमदाबाद के जमालपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने मोदी के लिए 64 किलो का केक काटा। इन लोगों का मानना है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो जैसा विकास गुजरात में हुआ है वैसा ही विकास देश में भी होगा। जमालपुर दरवाजा शाही दरवाजा है और सीएम साहब का जो जन्मदिन है, छेल्ला 6 साल से हम लोग बना रहे हैं और अभी जो गुजरात के सीएम थे और पीएम बनने जा रहा है, जिस तरह गुजरात को 12-13 साल से सुरक्षा दिया है, रोजी रोटी दिया है, सड़क दिया है, पानी दिया है, रोड अच्छा जो विकास दिया है, वही चाहते हैं हम कि पूरा इंडिया में हो और नरेंद्र मोदी जी जैसा पीएम हो। मोदी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली और वेंकैया नायडू समेत कई नेताओं ने मोदी को फोन करके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं विपक्षी दलों ने मोदी को जन्मदिन की बधाई कुछ इस अंदाज में दी। आज उनका जन्मदिन है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का जन्मदिन है। अपनी पार्टी में कितने साइलेंट किलिंग और किलिंग कर चुके हैं, सोहराबुद्दीन की हत्या से लेकर के सारे इनकाउंटर, अब 32 पुलिस अफसर साइलेंट किलिंग में, आईपीएस अफसर अहमदाबाद में थे जो इनके साथ मिल करके हत्याओं की साजिश करते थे, अब वो एक एक करके खुल करके बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हत्याओं की, राजनीतिक हत्याओं की जो बरसात उन्होंने की है, उसके लिए उनको मुबारकबाद। जन्मदिन उनको मुबारक हो, वो 100 साल से भी ज्यादा उनकी आयु हो और वो लंबी उम्र के हकदार हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ना बने, ये भी मेरी उनके लिए शुभकामनाएं। भले ही जेडीयू के नेता मोदी की 100 साल जीने की कामना कर रहे हों, लेकिन इससे इतर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी के बर्थडे पर दो टूक बोलना भी मुनासिब नहीं समझे। नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार इस कदर नाराज हैं मानो दुश्मनी ही कर ली। सियासत में हम एक दूसरे के विरोधी हैं पर दुश्मन नहीं, ऐसा कहते हुए आपने और हमने कई नेताओं को सुना है, लेकिन मोदी के बर्थडे पर भी ये मिथक सियासत में टूटता दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।